मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और खजुराहो सांसद बीडी शर्मा ने आज लोकसभा में बजट के समर्थन में अपना भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला जनादेश और लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटों पर ऐतिहासिक विजय इस बात का पर्याय है कि प्रदेश की जनता के मन में मोदी है। बजट में मध्य प्रदेश को कई सौगातें मिली है, उसके लिए प्रदेश की जनता की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बीडी शर्मा ने सदन में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2008 में राहुल टीकमगढ़ जिले के टिपरिया गांव भजन भाई के घर गए। वे जवाब दें कि 2014 से पहले उनकी सरकार ने भजन भाई के लिए क्या किया। भजन भाई के अपने पक्के आवास का सपना प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के अंदर कहना चाहता हूँ कि जब हम मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रहे थे, तब मध्य प्रदेश के चुनाव में उस समय हमने मध्य प्रदेश की जनता ने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं और मध्य प्रदेश के मन में मोदी के अभियान के साथ हमने विधानसभा में रिकॉर्ड बनाया और लोकसभा के अंदर तो देश के इतिहास में 29 की 29 सीटें जीत करके मोदी जी को मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं कि इस बजट के अंदर जो 2024-25 का बजट माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, उस बजट के अंदर मैं मध्य प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के अंदर 97,907 करोड़ रुपए, जो पिछले बजट की तुलना में 11,205 करोड़ रुपए अधिक है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश हमेशा रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी को मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि मध्य प्रदेश के बजट के लिए रेल मंत्रालय में माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि 14,738 करोड़ रुपए जो मध्य प्रदेश को दिए हैं, जो कांग्रेस के समय में केवल 632 करोड़ था, आज मध्य प्रदेश का रेल का बजट 14,738 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने दिया है। मध्य प्रदेश में रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन एक ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। तो विगत 10 वर्षों में 1,062 फ्लाईओवर से लेकर के कई प्रकार के रेल की सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुंदेलखंड के क्षेत्र का मैं सांसद हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आज के नेता प्रतिपक्ष 2008 में टीकमगढ़ जिले के एक टिपरिया गांव की बहन भंजन बाई के घर गए थे। अभी वो उदाहरण दे रहे थे, मैं इनसे मिला, मैं उनसे मिला, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 2008 में आपकी सरकार थी, 2014 तक आपकी सरकार चली, वो टिपरिया गांव की बहन भंजन भाई का इतने सालों में क्या हुआ था आपको याद नहीं होगा, लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं उस बहन के सर पर छत देने का काम किसने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हम जब छिंदवाड़ा का चुनाव लड़ रहे थे, लोग कहते थे कि छिंदवाड़ा तो पता नहीं किनका गढ़ है। मैंने उस समय कहा था छिंदवाड़ा किसी का गढ़ है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है और ऐतिहासिक बहुमत से छिंदवाड़ा के अंदर भी विजय श्री हासिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी को वहां के उस गढ़ को तोड़ने का भी काम किया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।